अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपके सर में डैंड्रफ है और आपके बाल बहुत रफ हैं तो ये रेमेडी आपके लिए है। चलो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपको हेयर मास्क बनाने का तरीका बताऊंगी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ हैं, डैंड्रफ वाले हैं और उतर रहे हैं कुछ भी करके, फ्रिजी हेयर ख़त्म नहीं हो रहे, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलती हूँ कि ये टोटका आपने हफ्ते में 3 दफ़ा मस्ट करना है। और ये आपने मास्क लगाने के बाद आपने अपना सर धो लेना है। सबसे पहले आपने अपने हेयर के अकॉर्डिंग कि आपके बाल कितने हैं, आपने ये योगर्ट लेनी है। कोशिश करनी है योगर्ट खट्टी हो, ठीक है। मैं अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले रही हूँ जी 5 चम्मच, ये आ गए जी 5 चम्मच, ठीक है। ये 2 चम्मच मैंने यहाँ पर लिया साइड पर हनी, इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं। ये थोड़ा सा देख सकते हैं आप थिक है, इसलिए मुझे ऐसा ही चाहिए था। अगर आपका हनी थिक ना हो तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बिकॉज हम बना रहे हैं हेयर मास्क स्क्रब। 2 लेमन, ठीक है, अच्छे से निकाल। और ये आ गया जी 2 टेबलस्पून बेसन, ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये हमारा मिक्सचर तैयार है। मैं आपको बताती हूँ कि इसको सर पे आपने कैसे लगाना है। सबसे पहले आपने अपने हेयर्स अनटैंगल कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने रूट्स में लगाना है। यू कैन सी, पहले आपने पूरी रूट इस तरह बनानी है एंड तक, ठीक है। एंड देन एक घंटा सर पे मिक्सचर लगा रहने के बाद आप किसी भी शैम्पू से धो लेंगे, और उसके बाद आपने एयर ड्राई होने देना है, बालों को अच्छे से निचोड़ लेना है। और उसके बाद कोई हीट नहीं यूज़ करनी, कोई आपने ड्रायर नहीं यूज़ करना। उसके बाद आप देख सकते हैं कि मेरे इतने रफ बाल कितने स्मूथ और सिल्की हो गए हैं, और ये हफ्ते में 3 से 4 दफ़ा मस्त